हिंदू लोग का ये करने के लिए, ये लोग बेईमान है। मेला होगा, पद्म फूल का मेला होगा, बीजेपी का मेला होगा। बंगाली चला है, कोई बाहर से आने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और न्यूज नेशन की टीम बेटर ऑफ बंगाल में अपना चुनावी अड्डा लेकर पहुंच चुकी है पश्चिमी मिदनापुर के मिदनापुर सदर क्षेत्र में। हमारे साथ जनता भी है, नेता भी हैं और पूरा हिसाब किताब यहां पर होगा कामकाज का। और असली फाइट किसके बीच है, असल मुकाबला किसके बीच है, मुद्दे क्या है, ये जनता के बीच जानेंगे। हमारे साथ जनता मौजूद है मिदनापुर सदर क्षेत्र की। सबसे पहले तालियों के साथ आप स्वागत करें अपना। मिदनापुर सदर क्षेत्र सीट जो है वो पिछले दो बार से टीएमसी के खाते में जाती आई है। उनके मौजूदा विधायक का दो महीने पहले निधन हो गया था। जो पश्चिम बंगाल की फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं उनको टिकट दिया है। इससे पार्टी के भीतर भी थोड़ी सरपुटवल की बातें कही जा रही हैं और बीजेपी का यहाँ वर्चस्व कैसा है और लेफ्ट कहाँ खड़ी है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद रफीक साहब हैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के टीएमसी से। हमारे साथ डॉक्टर शंकर गोचाई हैं, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ कुंदन गोप जी हैं, लेफ्ट से टाउन एरिया कमेटी सेक्रेटरी हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। चलिए तो आपको बता दें कि यहाँ पर जून आलिया को जो है ये सीट दी गई है सर, है ना। जब एक सितारे को सीट देते हैं आप तो पार्टी के अंदर बहुत नाराजगी ऐसी खबरें आ रही हैं। झूठा बात है, जून मालिया बहुत अच्छा कैंडिडेट हुआ ही। तो जिताने के लिए कोशिश होगी, हराने के लिए नहीं। पूरा टीम माट में खड़ा हुआ है। अच्छा। ग्राउंड का भी और मिदनापुर शहर का भी, सब लोग खड़े हैं उनके साथ। 20,000 का ऊपर जीतेगा वो। 20,000 से ज्यादा जीतेंगे। चलिए खेला हो बे। हाँ, ये कह रहे हैं खेल हो जाएगा। आपके जो दिलीप घोष जी की लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली सीटें आपको मिलेंगी नहीं? खेलने पहले तो लेक तो भांग गया, इसलिए चुनाव में मेरा जो प्रार्थी है सुमित कुमार दास, ये मिदनापुर का भूमि पुत्र है। उन्होंने बहुत सारे साल है आरएसएस का संगठन बांधने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने मुझे को एक्स प्रेसिडेंट है इसका डिस्ट्रिक्ट का, और आप सारा माहौल बन रहा था ये सुमित दास जीता और जून मालिया हारा, ऐसा माहौल पूरा शहर पूरा मिदनापुर असेंबली माहौल बन रहा था। ये बताइए, आपको भरोसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग श्री राम के नाम के बगैर बीजेपी की वैतरणी पार ही नहीं लग रही है, क्या चक्कर है? बंगाल में भी आप जय श्री राम लेके पहुँच गए हैं। ये चीज झूठा है। सुमित दास ये खिलाड़ी है तो हर बूथ में गया था, हर शक्ति केंद्र गया था, हर गली गली में हर आदमी सुमित दास को पहचानकारी है। लेकिन जून मालिया बाहर से आया, बालीगंज के उनका वोटर आईडी कार्ड है, मिदनापुर वासी। दीदी तो कहती है आप ही बाहरी हो, दीदी तो कहती है आप ही बाहरी हो। उन्होंने जो नाले आपको बाहरी कह रहे हो आप आए हो बाहरी। दीदी खुद बोल रहा था बाहरी हो, और दीदी का बाद मैं बोल रहा था जय जून मालिया, दीदी के नॉलेज में बाहरी हो। चलिए तो यहाँ पर ये बताइए कि 34 साल बंगाल पर राज किया आप लोगों ने, लेकिन अभी जो मुकाबला है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी हर जगह ग्राउंड पे ज्यादा दिख रहा है, कहाँ है आप लोग? पहले तो मिदनापुर खुदीराम बोस का धरती से न्यूज नेशन का स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के साथ साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल में 2011 साल के बाद जो चुनावी माहौल बना, वो चुनावी माहौल भाजपा और तृणमूल के लिए वो हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने का कोशिश किया गया, मगर बंगाल का धरती ये बेरोजगारी के लिए जो लड़ाई पूरे 5 साल सड़कों पर तो आप भी नजर नहीं आए ना, ममता दीदी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ कहाँ नजर आया? आज सड़कों पर घूम लीजिए, यहाँ पर आपके कार्यकर्ता ढूंढे से नहीं मिले। हमारे नौजवान नवान ने अभियान किया, जहाँ ममता की पुलिस ने मैदुल इस्लाम मुद्दा को मर्डर कर दिया, कि पश्चिम बंगाल में जो तुष्टिकरण शुरू किया ममता बनर्जी, उसी से बीजेपी को ऑक्सीजन मिला बंगाल में। चलिए ये सवाल लेके जाते हैं। चलिए, ममता बनर्जी ने ही ऑक्सीजन दिया, ममता बनर्जी के गले की फांस बन गई। सीपीएम क्या बोलेगा? 34 साल में बंगला को खकला बना दिया सीपीएम पार्टी। नहीं, पर आप लोग मुस्लिम अपीजमेंट करते करते हिंदुओं को भूल गए। आज दीदी को याद आ रहा है कि वो बेटी है बंगाल की, ब्राह्मण है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है, चंडी पाठ करती है। नहीं, तो जो जिसका धर्म उसका पास रहेगा,
वो मेरा दीदी बोल रहा। नहीं, पर दीदी पुजारी को पैसा कम देती हैं और मौलाना को ज्यादा। झूठा बात एक सौ भाग झूठा बात है। चलिए कुछ जनता के बीच में भी आ जाएं। आपको लगता है कि क्या कह रहे हैं आप? हाँ, क्या कह रही हैं आप? हम कुछ नहीं कह रहे, हम बोल रहे हैं जय श्री राम स्लोगन। स्लोगन चेंज होकर खेला हबे, अखन शुद्ध खेला हबे, जय बांग्ला खेला हबे। जय श्री राम में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, जो ठाकुर का जय श्री राम तो हमारा भी भगवान है, तो जय श्री राम हम भी जय श्री राम करते हैं, किंतु वो जय श्री राम को राजनीति में चेंज करे यही बोल रहे हैं। तो जय खेला तो होगा, खेला किसका होगा? उस माँ का खेला होगा जो जिस माँ ने शस्त्र साथी कार्ड का कोई लाभ उठा नहीं सका उनका उसका संतान के बारे में। और वो खेला होगा, वो जो खेला होगा वो खेला में पद्म फूल का मेला होगा। दीदी पद्म फूल का मेला होगा, खेला होगा, पद्म फूल का मेला होगा, बीजेपी का मेला होगा। ममता बनर्जी को अगर यहाँ पर आज ये सब करना पड़ रहा है, जैसा कि सीपीएम के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि ये दीदी का ही बोया हुआ बीज है जो आज उनके लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। बिल्कुल गलत बोल रहे हो। 34 साल उसने क्या किया उसको प्रश्न पूछिए। नहीं तो दीदी ने मुसलमानों के लिए इतना फेवर क्यों किया? आप भूल कर रहे हैं, मुसलमान के लिए नहीं, दीदी सरकार हर कौम के लिए काम की है। वो जैसा हिंदू के लिए काम करती है वैसा मुस्लिम के लिए करती है, सिख के लिए, ईसाई के लिए करती है। एक्चुअली वो लोग हार चुका है, यहाँ सिर्फ ममता का सरकार है, हाँ आगामी रहेगा। बहुत अच्छा काम किए आज। आज आपका एक रुपया करके राशन फ्री मिल रहा है, जितने गरीब है सबको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, ओके। ये तो कह रही है बहुत अच्छा काम किया, आप हिंदी जानती हैं? हाँ बताइए कैसा काम किया ममता जी? दुर्नीति का काम किया, पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होके महिला का सुरक्षा देने नहीं सका, इसका और अच्छा काम क्या बोले जाते हैं? हाँ क्या बोले जाते हैं? बंगाल में राजनीति करता है हम लोग, यूपी वाला नहीं उठाता है, हम लोग बंगाल में राजनीति करता है। 2 तारीख का पद्म फूल का मेला होगा इधर, इसका जवाब देगा बैला लोग को नहीं देगा, गंगा में बैला देगा गंगा। चलिए तो यहाँ पर ये कह रही है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, इलाके में महिलाएं सुरक्षित नहीं। ये बहुत शर्म, बहुत बड़ा शर्म है बीजेपी का। हसरत में क्या हुआ यूपी में? नहीं, आप अपने बंगाल की बात कीजिए ना। कोई नहीं है, बंगाल की बात कीजिए। बंगाल में महिला सुरक्षित रहती है। आप ये बताइए सर, ये बताइए कि आप लोग जो हैं लड़ाई से बाहर कैसे हो गए? क्या जमीन पे जाके आप लड़े नहीं लोगों से? एक जमाने में आपका दबदबा होता था। हम ही लोग लड़ाई में हैं, ये भाजपा वाले तृणमूल वाले एक है। आप तो सेक्युलर है ना? ये दोनों एक है। चलिए ममता दीदी मुस्लिम तुष्टिकरण करती है, बीजेपी हिंदुत्व तो करती है, आप लोग तो सेक्युलर है ना? तो फिर फुरफुरा शरीफ की मस्जिद से क्यों हाथ मिलाया? अरे वो गरीबों को बात करते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। धर्मगुरु को पार्टी में मिला लिया? धर्मगुरु का किसी पार्टी में नहीं मिलाया, वो हम लोग का गठजोड़ है। हाँ तो गठजोड़, आप तो सेक्युलर है ना, फिर गठजोड़ क्यों कर रहे हैं? तो पीरजादा साहिब तो कोई मौलवादी नहीं है, क्या कह रहे हैं? चलिए चलिए कुछ और लोगों से आते हैं। लेफ्ट है लड़ाई में, मैं पूछ। हाँ है तो है, हाँ, है। मुकाबला किस में, टीएमसी बीजेपी या लेफ्ट? टीएमसी और बीजेपी दो एक है, दोनों एक। हाँ एक ही सोरीम, एक ही पार्टी है। उनकी जो चुनाव विस्तार था उसमें उन्होंने बोला था कि हर साल 1 करोड़ रोजगार देगा, ठीक है। और इस राज्य में जो सरकार बनाया है उसने कहा था, ममता दीदी का जो सरकार है उसने भी बोला था कि हर साल 2 लाख बेरोजगार को रोजगार। रोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, आप बताइए असली मुकाबला किसके बीच लग रहा है? असली मुकाबला है बीजेपी और सीपीएम के, सीपीएम के अगेंस्ट में तृणमूल का। 15 लाख का मुद्दा और 2 करोड़ बेरोजगारी का मुद्दा किधर है? चलिए तो बेरोजगारी का मुद्दा लेके आ रहे हैं। जो प्रभात सरकार में रेल का सबसे बड़ा संस्था आया था उसके 20 लाख एम्प्लॉय था, आज उसका एम्प्लॉय 12 लाख हो गया, 2 लाख पोस्ट उसके एबोलिश कर दिया। यहाँ पर 10 साल से ममता दीदी की सरकार है, लेकिन ममता दीदी को क्या जरूरत आ गई कि चुनाव के मौसम में अपने काम गिनाए? क्यों बता रही हैं कलमा पढ़ रही हैं? क्यों पढ़ रही हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ? क्यों कर रही हैं चंडी पाठ? क्यों बता रही हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं? बताए ना कि मैंने अस्पताल खुलवाया, बताए ना कि मैंने रोजगार दिए, क्यों ये नौबत आ गई? ममता बनर्जी का नीति है सर्वधर्म, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलता है। बीजेपी की तरह नहीं है, जय श्री राम काम करने किसी आदमी को मारना पड़े। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बंगाल की राजनीति को खराब कर दिया हिंदू मुस्लिम ले आए हैं। ममता दीदी तो आज मिदनापुर की रैली में भी बोली कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। जब बीजेपी नहीं था ना इधर 13 बड़ा दंगा हुआ था, तब बीजेपी इधर नहीं था, हुआ था दुलागार, हुआ था बसीराट, हुआ था, उस समय कहाँ था बीजेपी?
बीजेपी अभी हिंदू लोग आपका ये करने के लिए बीजेपी को लेके आया, हिंदू लोग का ये करने के लिए। ये लोग बेईमान है, हिंदू लोग का साथ नहीं देता है। ये लोग मर जाएगा लेकिन हिंदू लोग का साथ नहीं देगा। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय किया क्या? बात नहीं, वो झूठा बात है जो बोल रहा। ये आदमी सही नहीं बोला इसलिए बोल रहा। दूसरा, में काउंटिंग के बाद वो लोग का जो हाल टिकट सीट मिलेगा वो लोग फिर आबर दिल्ली चला जाएगा। चलिए, तो आप लोग तो दिल्ली से आए, दिल्ली लौट जाएंगे, बंगाल में तो आपको नेता भी किराए के लेने पड़े। सारे लोग बोल रहा था डबल इंजन सरकार चाहिए, दिल्ली से बीजेपी सरकार और बंगाल से बीजेपी सरकार उन्नति करके लिए। बंगाल में आज इशू बन गया हिंदू और मुस्लिम, मगर ये नहीं बनना चाहिए था, बेरोजगारी का मुद्दा बनना चाहिए था। क्या क्या कह रहे हैं आप लोग, किस लिए कह रहे हैं आप लोग? क्या आपके साथ खेल तो नहीं हो गया? आप कह रहे हैं खेला हो बे, बंगाली चला आया, कोई बाहर से आने वाला नहीं, बंगाल बंगाली जगह बाहर से आने वाला। क्यों क्यों, क्या दिक्कत? इनका सरकार मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में भी रेप होगा, बंगाल में भी रेप होगा, हम नहीं होने देंगे, बंगाल बंगाली चलाएगा। आपके आपके यहाँ लोग नाराज हैं कि आप अपने कार्यकर्ता जो 20 साल से पार्टी को खड़ा करने के लिए खून पसीना बहा रहे थे, आपने उनको टिकट नहीं दिया। टीएमसी से जो लोग आए उनको टिकट नहीं दिया। अरे टिकट तो समित दास को मिला, समित यहाँ का नहीं, मैं पूरा बात कर रही हूँ, पूरा बात कर रहा हूँ। टिकट तो समित दास ने मिला, टिकट तो खुद बीजेपी कर्मी को मिला। क्यों जुनमालिया को मिला ये प्रश्न तो मेरा है, क्यों जुनमालिया को मिला? मिदनापुर के कोई आदमी नहीं है, मिदनापुर से कोई नहीं मिला आपको टीएमसी के लिए? क्या इतना गलत काम किया था किसी भारी को पैराशूट से उतारना पड़ा? सुनिए सुनिए, प्रार्थी दल ठीक करेगा कहां से कौन खड़ा होगा। चलिए, तो यहां पर हमने आप लोगों के बीच में दोनों पक्षों को रखा है, आसपास के इलाके और मिदनापुर सदर का क्या कुछ स्थिति है, क्या सवाल है, क्या नाराजगी है सामने रखने की कोशिश की है। हमारे इस चुनावी अड्डे में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। बेटर ऑफ बंगाल काफी हीटेड हप है।